वेलकम गाइस, आज हम बात करेंगे सिल्वेनॉफ्स टेस्ट की। ये टेस्ट हमारे पास है कीटो शुगर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद इसका प्रिंसिपल क्या है, दिस टेस्ट कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डोसिस एंड कीटोसिस। अब इसको ना डिफ्रेंशिएट करता है बिकॉज एल्डोहेक्सोसिस विल प्रोड्यूस लाइट पिंक कलर आफ्टर सम टाइम्स। अब जो हमारे पास एल्डोहेक्सोसिस होते हैं ना, वो कुछ टाइम के बाद पिंक कलर जो है शो करते हैं। हाई एवर आफ्टर प्रोलॉन्ग बॉयलिंग, जब प्रोलॉन्ग बॉयलिंग हो जाती है, कलर जो है डीपन हो जाता है। टू रिस्ट्रिक्ट द प्रोलॉन्ग बॉयलिंग, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन द कार्बोहाइड्रेट आर हीटेड, कीटोसिस आर मोर रैपिडली डिहाइड्रेटेड देन एल्डोसिस। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हमारे पास जो है हम हीटिंग देते हैं ना, तो जो कीटोज होते हैं वो ज़्यादा जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एल्डोस। इस तरह ये हमारे पास एक आ गया इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट। देयर फॉर बॉयलिंग शुड बी फॉर 30 सेकेंड, इस वजह से बॉयलिंग जो है सिर्फ 30 सेकेंड के लिए होनी चाहिए। इन कंसनट्रेटेड एच सी एल कीटोसिस अंडरगो द रिहाइड्रेशन ऑफ द यील्ड फॉर प्यूलर डेरीवेटिव मोर रैपिडली देन डू एल्डोसिस। दीज डेरीवेटिव फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस विद रेजोर्किनोल टू यील्ड द डीप चेरी रेड कलर। इट इज अ टाइम कलर रिएक्शन स्पेसिफिक फॉर कीटोसिस। देन उन्होंने यहाँ पर बताया कि कीटोसिस रिएक्ट करते हैं मोर रैपिडली। अब ये सारे वन बाय वन आपको इनके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट ही बता रहे हैं, इनको हाईलाइट करते जाना है ताकि आपको जो है पता चल जाए। पहले उनके बॉयलिंग के हिसाब से बताया उन्होंने, उसके बाद बताया कीटोस में डिहाइड्रेशन होती है ताकि फर्फ्यूरल को जो है यील्ड कर सकें। देन जो हमारे पास अब वो पॉइंट बता रहे हैं वो है कीटोज रिएक्ट मोर रेडिली विद द सेलिवॉन रिएजेंट बिकॉज। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि कीटोन हैव 3 कार्बन एटम्स एटम्स वेयर एज द एल्डिहाइड हैज़ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम। उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पर है फ्रक्टोज प्लस एस सी एल, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर हो जाता है हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल लेविलियोनिक एसिड। उसके बाद है यहाँ पर है हमारे पास हाइड्रोक्सी मिथाइल परफ्यूरल प्लस रेजोर्किनॉल और चेरी रेड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हमारे पास आती हैं प्रेपरेशंस। प्रेपरेशंस को हम देख लेते हैं। डिसॉल्व करना है 0.05 ग्राम ऑफ एजोकेरिनोल इन 50 ml ऑफ द डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद ऐड 33 ml ऑफ द कंसनट्रेटेड HCl 37% टू दिस सॉल्यूशन एंड फर्दर ऐड द डिस्टिल्ड वाटर अप टू टोटल वॉल्यूम 100 ml। देन प्रोसीजर क्या है इसका, टेक 3 ml ऑफ द सेलिवॉन्स रिएजेंट एंड 1 ml ऑफ द गिवन कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड मिक्स। उसके बाद दो पॉइंट्स हैं, एक है हमारे पास के बॉयल फॉर द 30 सेकेंड्स ओनली, यानी कि जो बॉयलिंग करनी है वो सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए करनी एंड देन कूल द सॉल्यूशन, नोट द कलर डैट अपेयर। यानी कि पहले बॉयल करें फिर कूल करें और फिर जो कलर आया है उसको नोट कर लें। अपेयरेंस ऑफ द चेरी रेड कलर और पिंक कलर विद इन 30 सेकेंड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कीटो हेक्सोसिस। अगर जो है हमारे पास विद इन 30 सेकेंड चेरी रेड कलर या फिर पिंक कलर आ गया है ना, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि कीटो हेक्सोसिस की प्रेजेंस है। उसके बाद आती हैं प्रिकॉशंस, द फाइनल कंसनट्रेशन ऑफ एच सी एल इन द सेलिवॉन्स शुड नॉट एक्सीड 12% एच सी एल बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड एल्डोसिस मे बी कन्वर्टेड टू कीटोहेक्सोसिस एंड गिव अ फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट। सिमिलरली इन द केस विद द बॉयलिंग एंड हैंस शुड नॉट बी डन फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड।
इट गोज विदाउट सेइंग दैट अदर प्रिकॉशनरी मेजर्स ऑफ द लेबोरेटरी हैव टू बी टेकन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.